अमरावती से नवनीत राणा की उम्मीदवारी का विरोध, इस पार्टी ने दी महायुति से अलग होने की चेतावनी। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर अमरावती से नवनीत राणा की उम्मीदवारी का विरोध हो रहा है। ये विरोध कोई और नहीं बल्कि प्रहार जनशक्ति पार्टी कर रही है, जो इस महायुति गठबंधन में शामिल है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात पर प्रहार जनशक्ति पार्टी के विधायक बच्चू कड़ू ने कहा कि आज मेरी सीएम से मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में मैंने उन्हें वर्धा, अकोला, अमरावती और यवतमाल जिलों के बारे में जानकारी दी। बच्चू कड़ू ने कहा कि अगर नवनीत राणा अमरावती जिले में उम्मीदवार बने रहेंगे तो हमारे पास विरोध के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। हमने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से चर्चा की है और उनसे कहा है कि अगर उम्मीदवार नहीं बदला गया तो वे हमें गठबंधन से बाहर होने की सहमति दें। कौन है नवनीत राणा? नवनीत राणा का जन्म मुंबई में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। मुंबई में ही उन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी की, जिनके बाद उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने कई म्यूजिक वीडियो में काम किया। इसके अलावा कन्नड़, मलयालम और तेलुगु फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। कन्नड़ फिल्म दर्शन से उन्होंने डेब्यू किया। एक सामूहिक विवाह मंडप में नवनीत कौर साल 2011 में रवि राणा से शादी की। उनकी मुलाकात योग गुरु बाबा रामदेव के आश्रम में हुई थी। फिल्मी दुनिया में नवनीत राणा का सफर ज़्यादा लंबा नहीं रहा। इसके बाद वे राजनीति में आ गए। सबसे पहले वे एनसीपी पार्टी के साथ जुड़ी और 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव हार गई। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में नवनीत राणा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा और शिवसेना के दिग्गज नेता आनंद अडसुल को हराकर अमरावती संसदीय क्षेत्र से सांसद बनी। नवनीत राणा को 5,10,947 वोट मिले थे। वहीं शिवसेना उम्मीदवार आनंद अडसुल को 4,73,996 वोट मिले थे।